आज हमारा ऑफब्रेक बॉलिंग का सेकंड पार्ट है और मैंने चूंकि आपको पहले भी मना किया था कि आप ऑफब्रेक बॉलिंग जो है वो ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर अभी भी आप ये समझते हैं कि आपको ऑफब्रेक बॉलिंग करनी चाहिए एंड यू वांट टू बी एन ऑफब्रेक स्पिनर, सो लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग पहले थोड़ा सा जो वीडियो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमने ग्रिप की बात की थी कि ऑफब्रेक बॉलर जो हैं वो किस तरीके से ग्रिप करते हैं, नॉर्मली ग्रिप किस तरीके से भी हो सकती है, वो ग्रिप किस तरीके से भी हो सकती है। ये दो ग्रिप्स हैं जिसके अंदर ज़्यादातर बॉलर जो है वो बॉल करते हैं। आज हम लोग बॉल रिलीज करने की बात करेंगे कि जब ऑफब्रेक बॉलर जो है वो बॉल रिलीज करता है तो वो किस किस्म की वो ऊपर से रिलीज करेगा उसको अच्छी जो है वो पुश मिलेगी। राइट, सो ऑफब्रेक बॉलर जब बॉल करेंगे तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे वो उनकी बॉल की रिलीज़ क्या होगी। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी ऑफ ब्रेकर के लिए बहुत ज़रूरी है वो है उसकी बॉल का ब्रेक होना। तो कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा लड़का, कोई भी क्रिकेट प्लेयर जब ऑफ ब्रेक बॉलिंग की बात करेगा अगर उसकी बॉल ब्रेक होगी तो वो उसके लिए सक्सेसफुल साबित हो सकता है। बॉल का ब्रेक होना स्पिन बॉलिंग के लिए, अगेन बिकॉज इट इज़ स्पिन बॉलिंग के अंदर अगर स्पिन होगा तो तब वो स्पिन बॉलिंग कहलाएगी और वो अच्छी स्पिन बॉलिंग कहलाएगी। तो हम लोग बात करते हैं जिसको ऑफ ब्रेक अपनी बॉल कह रहा होगा, तो हम लोग अब आप कैमरे को ऊपर ले जाइएगा बल्कि मेरे हाथ की तरफ उसको रखिएगा। ये देखें नॉर्मली चूँकि मैं इस तरीके से बॉल करता हूँ, इस ग्रिप के साथ बॉल करता हूँ, तो आई टेल यू दैट हाउ द बॉल विल बी रिलीज। सो जब आप बॉल करने के लिए रन अप के साथ आते हैं आप बॉल रिलीज करते हैं, तो अब आप इसको मेरे हाथ पे ले जाएं। आपकी बॉल की जो रिलीज़ है वो ये चीज़ होगी, आपका हाथ पीछे से आएगा और इस तरीके से बॉल को आप रिलीज करेंगे, आपका हाथ बॉल को मूव करेगा, ये ऑफ ब्रेक होगी, बॉल इस तरीके से स्पिन होती हुई बैट्समैन की तरफ जाएगी और ऑफ स्टंप से बाहर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप के अंदर आएगी। इसी तरीके से ये है, अब इसको एक दफा दोबारा दूसरी ग्रिप के साथ देख लेते हैं। अगर आपने बॉल को इस तरीके से ग्रिप किया हुआ है तो आपकी बॉल यहाँ से ऊपर से आएगी और ये बॉल इस तरीके से आप इसको रिलीज़ करेंगे। ये देखिए, ऑब्वियसली चूँकि मेरे पास हाई मोशन के कैमराज नहीं हैं और वहाज मेरे साथ जिनकी एज तकरीबन कोई 15-16 साल है, ये हमारी मेरी वीडियो बना रहे हैं, सो और बहुत ज़्यादा हाई फाई कैमरा नहीं है तो मैं स्लो मोशन के अंदर आपको नहीं दिखा सकता। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई जस्ट स्पिन द बॉल इन अ वेरी स्लो मोशन वे, सो यू कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ हैंड मूवमेंट यू विल हैव टू अडॉप्ट व्हेन यू विल बी स्पिन बॉलिंग। सो हियर वी गो अगेन, दिस इज कॉल्ड ऑफ स्पिन। आपको हाथ आपको इस तरीके से ये हाथ आपका आएगा और ये ऑफ ब्रेक होगी। इसी तरीके से हमारी ऑफ ब्रेक के अंदर फ्लिपर भी किया जाता है, फ्लिपर की ग्रिप सेम ग्रिप होगी लेकिन उसके अंदर आप बॉल को सिर्फ थोड़ा सा सीधा रखेंगे, आपकी बॉल ये चीज़ इस तरीके से आएगी। आप ये अगर आप इसको देख रहे हैं, आप बॉल करने आएंगे ये बाजू आपके नीचे जाएगा, उसके बाद आपकी जो स्पिन है वो इस तरीके से होगी, आपका हाथ सीधा जाएगा, ये हमारा होगा फ्लिपर। इन द अपकमिंग एपिसोड्स हम लोग इसको पिच के ऊपर पिच पे भी जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। नंबर तीन, जब हम लोग तीसरी वैरायटी की बात करते हैं तो तीसरी वैरायटी के अंदर बॉल अगेन जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बोला था कि क्लैन मुश्ताक एक ऐसा बॉलर है जिसने ऑफ स्पिन बॉलिंग को नई डायमेंशन की तरफ लेके गया था और वो बॉल उन्होंने बाहर निकालनी शुरू की थी उसी स्टाइल के अंदर और जिसको पूरी दुनिया आज दूसरे के नाम से जानती है। उसका तरीका भी बहुत सिंपल है बट इट इज़ हार्ड वर्किंग, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिसकी वजह से आप ये तीनों वैराइटीज़ कर सकेंगे। तीसरी वैराइटी जिसको हम लोग दूसरा बोलते हैं वो इस तरीके से है कि आप सेम ग्रिप रखनी है लेकिन जिस वक्त आपकी बॉल की रिलीज़ हो रही होगी तो आपका हाथ बजाय ऐसे मूव होने के इस तरीके से मूव होने के आपका हाथ सीधा जाएगा। आपका हाथ जब सीधा जाएगा तो बॉल इस तरीके से स्पिन होती हुई जाएगी और वो बैट्समैन के पास जब पहुँचेगी तो वो एक सीधा लेग ब्रेक हो रहा होगा जिसको दुनिया आज दूसरे के नाम से जानती है। अगेन आई विल शो यू द ऑल थ्री वैराइटीज। नंबर वन, दिस इज ऑफ ब्रेक, दिस हैंड, दिस इज द फ्लिपर। यू विल थ्रो द बॉल एज इन अ स्ट्रेट मोशन लाइक दिस एंड जिस वक्त आपको बॉल बाहर निकालना है आपका शोल्डर थोड़ा सा अंदर जाएगा, आपके सर के ऊपर से बॉल आएगी एंड यू विल बॉल इट लाइक दिस। आपकी ग्रिप इस तरीके से ये क्लाई जो है ये इसको ये मूव करेगी। तीनों क्लाई, अब हम तीनों बॉल्स की तीनों क्लाइयों को भी ज़रा चेक करते हैं। नंबर वन ऑफ ब्रेक, नंबर टू फ्लिपर, नंबर थ्री आप ये बाजू अंदर आ जाएगी उसके बाद ये इस तरीके से ये बॉल
बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये तीन वर्डीज हैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अंदर। ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अंदर आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, अगेन आज से कि इट्स क्वाइट हार्ड टू बी एन ऑफ ब्रेक बॉलर। इस वैरायटी के अंदर आपको जिस चीज़ को ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अंदर जो आपने जो वैरायटी आप अपनी स्पीड के अंदर देंगे किसी भी ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए या किसी भी बॉलर के लिए, इवन दैट इज एन लेग स्पिनर, अ फास्ट बॉलर, ही हैज गॉट टू जज द बैट्समैन, वट काइंड ऑफ बैट्समैन दैट ही इज बॉलिंग टू। उनको ये पता है कि मुझे किस किस्म के बैट्समैन को खिला रहा हूँ और बैट्समैन क्या खेल रहा है, तो उनके लिए बॉलिंग करना ज़्यादा आसान होगी। अच्छा जी, ऑफ ब्रेक करते हुए आपको एक चीज़ और बड़ी आपको ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी स्पीड को वेरी करना है। आपने कोई बॉल तेज करनी है, कोई बॉल स्लो करनी है, यू हैव टू गिव वैरायटी ऑफ द स्पीड टू द बैट्समैन, सो ही इज ऑलवेज चेंजिंग व्हाट काइंड ऑफ स्पीड दैट यू आर गोइंग टू बॉल हिम। आपको कोई बॉल अगर 100 माइल्स वाला 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से करनी है और तो दूसरी आपको 80 भी करनी है, कोई आपको 90 भी करनी है, कोई आपको 110 भी करनी है। जिस वक्त कोई बैट्समैन अपने किसी भी बॉलर को ये जज कर लेता है कि यार ये बैट्समैन ये बॉलर इसी एक स्पीड के ऊपर इसी एक रूटीन की स्पीड के ऊपर बॉल कर रहा है, तो उसके लिए आसान होगा बॉल करना। जब आप कोई बॉल स्लो करेंगे तो वो ज़्यादा स्पिन होगी क्योंकि बॉल को ज़्यादा एयर में टाइम मिलेगा और बॉल ज़्यादा घूम सकती है। जब आप कोई बॉल पुश करेंगे तो दैट इज गो थ्रू इन अ फास्टर स्पीड, सो आपको इसी लिहाज से आपको बॉल करते हुए आपको बैट्समैन के साथ आपको खेलना है। इंस्टेड ऑफ बैट्समैन इज प्लेइंग विद यू, यू शुड बी प्लेइंग विद द बैट्समैन। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको पता हो कि ये बैट्समैन इस तरीके से खेल रहा है और मैंने इसको ये चीज़ खिलानी है। अच्छा, ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपकी बॉल का स्पिन होना, आपकी बॉल का मूव होना। टिप्पा पड़ने के बाद आपकी बॉल कितनी स्पीड से अंदर की तरफ आती है, कितनी ज़्यादा ब्रेक होती है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑफ ब्रेक बॉलर। दुनिया में मुरलीधरन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। उनकी बॉल जो थी वो यही कहा जाता था कि अगर उनको शीशे की पिच भी बना के दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी ब्रेक करेंगे, दैट इज़ वाई ही वॉज सो लीथल। सो हमें भी यही कोशिश करनी है कि हमारी बॉल सबसे पहली जो चीज़ है वो स्पिन हो। जब भी आप प्रैक्टिस करने लगे ऑफ ब्रेक बॉलिंग की, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने किसी सीनियर की मदद से गुड लेंथ पिच के ऊपर, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर, आउटसाइड की ऑफ स्टंप 5वीं 6वीं विकेट के ऊपर आप एक स्पॉट लगवा लें, आप एक निशान लगा लें, बॉल को स्पॉट को बॉल के साथ हिट करने के बाद आप ये देखें कि आपकी बॉल जब आप इस तरीके से घुमा के फेंकेंगे तो कितनी स्पीड के साथ अंदर आती है और कितनी ज़्यादा अंदर आती है। किसी भी ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले चीज़ आप वो आपने अपनी ब्रेक बॉल को ब्रेक करना सीखना है। वराइटीज़ के अंदर अगर आप शुरू नहीं चले जाएंगे तो दैट इज डिस्टर्ब योर फ्लो, दैट वो आपको उस तरीके से वराइटीज मिलना तो बात की बात है। अगर आपकी बॉल ब्रेक नहीं हो रही, आप उस ब्रेक की जो पहली जो बेस है आप उसको ही क्रॉस कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी कोशिश करनी है कि आप बॉल ब्रेक करें, आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेक करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आप इसके अंदर अपनी एफर्ट डालेंगे तो फिर आपकी बॉल ब्रेक नहीं शुरू होगी, आपकी फ्लाई के अंदर ध्यान आनी शुरू होगी। आप इस तरीके से स्पीड से बॉल को घुमाते हुए जब फेंक लेंगे उसके बाद फिर बैटिंग की बात आती है, फिर स्पीड की बात आती है, फिर सारी चीज़ों की बात आती है। स्पीड एंड बैटिंग का बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको पता हो कि आपके अगला रास्ता क्या है। मैंने आपको एक रोड मैप दिया है, उस रोड मैप के ऊपर चलते हुए आप एक अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो बेस है वो है आपकी स्पिन। आप अगर आपका हाथ इस तरीके से ईजी फील होता है, आप ऐसे पकड़े, आपका हाथ ऐसे ईजी फील होता है, मैंने पहले भी ये बात की थी और मैं दोबारा ये बात कहता हूँ कि क्रिकेट सबसे बेहतरीन उसको खेली जाती है जब आप स्पोर्ट के अंदर हों, जहाँ पे आप ईजी फील करते हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने प्रैक्टिस सिर्फ स्पिन बॉलिंग की करनी है, आपने सिर्फ स्पिन करना है, आपने वर्डिज के अंदर नहीं जाना, आपने ज़्यादातर वर्डिज डेवलप करने की कोशिश नहीं करनी। और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो वहाँ पे आएगा कि आप अपने स्पिन बॉलिंग के अंदर कितनी ज़्यादा वर्डी लेके आते हैं, आप किस तरीके से बैट्समैन को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, तो तब आप एक अच्छे बेहतरीन ऑफ ब्रेक बॉलर बन सकते हैं। मेरी ऑफ ब्रेक बॉलिंग की टेक्निक्स, इसका स्टाइल और इसके प्रकार जो दोस्तों के इतराज भी हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा डिफरेंट बोला जा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने प्लेयर्स को, वो लड़के वो बच्चे जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको उस लिहाज से तैयार करूँ जिस लिहाज से आजकल क्रिकेट खेली जा रही है। आजकल टेक्स्ट बुक क्रिकेट इज वेरी वेल,
आप इवन टेस्ट मैचेस देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, टी20 देख रहे हैं, टी20 वनडे क्रिकेट के अंदर तो टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है। वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट का कोई ऐसा सीन जो है वो नज़र नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट इट इज सर्वाइविंग एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट दैट इज टेस्ट क्रिकेट। लेकिन हमें चूंकि अब जो जिस दौर के तरफ हम लोग गुजर रहे हैं, तो हमें बॉलर्स को उसी हाथ से तैयार कर रहे हैं कि वो बैट्समैन की टेक्निक्स को टैकल करें जो कि बैट्समैन से अगर आजमा रहे हैं। मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा, और नहीं भी करोगे तो मैं तरक्की कर लेना। लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।